अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम बिलाल हुसैन है और आज फिर मैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पर्सनल डाटा कैसे सेव कर सकते हैं। आपका पर्सनल डाटा अगर आपका गुस्सा ले उठा ले तो वो कैसे नहीं दे सकता, कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो, कोई भी वेबसाइट। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरा मोबाइल ट्यूटोरियल है। तो पहले आप प्ले स्टोर पर चले जाएँ, प्ले स्टोर पर जाने के बाद सर्च पे चले जाएं। सर्च में जाने के बाद आपने सेव गैलरी लिखना है। ये मेरे पास सेव गैलरी, ये देख सकते हैं ये वाली सेव गैलरी मीडिया लॉक, यहाँ पे क्लिक करें। ये मेरे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी, आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, मैंने ओपन किया। यहाँ पे आपने 0000 ये पिन देना है तो वो ओपन हो जाएगा। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, मैंने अपना पासवर्ड डाला हुआ है इसके अंदर। ये देखें मेरे पास ये ओपन हो गया। मैंने चार पिक्चर यहाँ पे लॉक किए हैं जो कि मेरी गैलरी में शो नहीं होती, कोई भी मेरे पासवर्ड के बिना ये शो नहीं होगा, नहीं देख सकता। ये सेव वीडियो, कोई सी वीडियो सेव नहीं है, ये कोई पेज सेव नहीं है। तो सबसे पहली बात, आप लॉक कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको 0000 ये लॉक दिया होता है, आप कैसे चेंज करेंगे। मेन्यू पर चले जाएँ, मेन्यू में जाने के बाद सेटिंग पर चले जाएँ। ये देखें कि चेंज स्क्रीन टैप लग, यहाँ से आप ये कर सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना न्यू पासवर्ड दे दें, यहाँ पे वही फिर लिखें तो कंफर्म करें तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड हिंट है, आप कोई भी हिंट रख सकते हैं, यानी कि अगर आपने अपना नाम लिखा है तो आप हिंट रख सकते हैं, नेम या कुछ इस तरह का। तो सॉरी, अब मैं आपको बताता हूँ जो अक्सर ही बात है कि आप लॉक कैसे कर सकते हैं। तो लॉक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, लॉक पे क्लिक करें। अगर आपने पिक्चर लॉक करनी है तो यहाँ पे ये देखें, या फिर गैलरी पे चलें, गैलरी में आ गए। अब आपने अगर पूरा फोल्डर लॉक करना है तो लॉक पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, लॉक पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपने चाहते हैं कोई पिक्चर या कोई वीडियो सिर्फ लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पिक्चर लॉक करना चाहता हूँ। मैं ये फोल्डर ओपन किया, लॉक पे क्लिक किया, ये देखें सबके साथ टिक निशान आ गया, ये मेरी तमाम पिक्चर आ गई हैं। मैं ये पिक्चर लॉक करना चाहता हूँ, यहाँ पे लॉक पे क्लिक किया, लॉक, ये देखें ये हो गई है। अब इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि आप वीडियो कोई भी कैसे लॉक कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप वीडियो है, ये लॉक पे चलेगी, ये लॉक लॉक लॉक। ये बहुत इजी और बहुत तेज़ी से, ये देखें ये वीडियो भी, अब आप कहाँ लॉक हो गई होगी, यहाँ पे ये ऑडियो आ गया है, ऑडियो भी, ये देखें मेरे पास, ये मेरी पहले की पड़ी हुई थी चार पिक्चर, ये भी लॉक की है, ये देखें ये लॉक हुई गई है, ये मेरी पिक्चर आ गई है, ये मैंने जो लॉक किया अभी, ये मेरे पास वीडियो आ गई है, ये देखें। अब अनलॉक आप कैसे करेंगे, अनलॉक के लिए आप ये अनलॉक लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें और ये आपको वापस उसी फोल्डर में चली जाएगी यहाँ से आपने इसे लॉक किया था। ये देखें ये भी हो गई है, ये भी हो गई है, ये देखें। इस तरह से आप अपने डाटा सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आप कोई मसला पेश आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। मेरा जो फेसबुक है वो एम बिलाल हुसैन है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी एम बिलाल हुसैन जो है ये फेसबुक आईडी है, ये आप देख सकते हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए एम बिलाल हुसैन, थैंक्स टू वॉच।